तो गाइस क्या आप लोग भी जाना चाहते हो रीजन के टॉप वन पे? हाँ। वो भी बिना कोई मेहनत के? हाँ भाई हाँ। देखो भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अगर आप लोग फेयर तरीके से रीजन पे जाना चाहते हो, बट अगर बिना मेहनत के जाना चाहते हो तो थोड़ा पैसा देना पड़ेगा पेट पुशर्स को, वो आपकी आईडी पहुंचा देंगे रातों रात रीजन पे। ये भी वैसे फेयर ही माना जाता है और हमारे फ्री फायर के इतिहास में सालों से चलता आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास पैसा भी नहीं है और मेहनत भी नहीं होती तो आप लोग लगा सकते हो ग्लिच, जो कि हमारे रीजन प्लेयर भी लगाते हैं। ये क्या सुन रहा हूं मैं? अब सारे तो नहीं लेकिन कुछ भरोसे वाले इतने चमत्कारी होते हैं कि उनका एक ही गेम में 250 का प्लस मिलता है। अभी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा तो रुको जरा, सबर करो, पूरा खुलासा होगा इसी वीडियो के अंदर। और वो कौन सी ग्लिच यूज करते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। चलो भाई। तो गाइज आपके इंस्पिरेशन बोले तो फ्री फायर के अखंड चमत्कारी रीजन के टॉप वन पे बैठे प्लेयर, छोड़ो नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा हर सीजन कौन जाता है रीजन के टॉप वन पे। और इस बार नाम थोड़ा अलग है लेकिन बंदा वही है और ग्लिच भी वही है जिसे गरीना का सुपर डिटेक्टिव सिस्टम अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाया। और जो बंदे फेयर खेलते हैं दिन रात एक करके रैंक पुश करते हैं उन्हें तो गरीना वाले लात मार के ब्रॉन्ज में पटक देते हैं। लेकिन जो बंदे जिंदा ग्लिच से वो पैर फैला के रीजन के टॉप वन पे बैठे हैं, जहां हम लोगों को एक गेम में बुया करने पे मैक्सिमम 50 से 70 का ही प्लस मिलता है और एक गेम का एवरेज टाइम रहता है 15 से 20 मिनट। ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ग्लिच यूजर को 20 मिनट में 200 से भी ज्यादा प्लस कैसे मिलता है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं उनकी पोल खोलने वाला हूं। और ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए बना रहा हूं और गरीना वाले जल्द से जल्द इसके ऊपर ध्यान दे इसलिए वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस ग्लिच को यूज करो, क्योंकि आज नहीं तो कल ये लोग पकड़े जाएंगे और इनकी आईडी के एल लग जाएंगे। ऑलरेडी काफी आईडियो के एल लग चुके हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। खेलो स्पोर्ट, इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड गेमिंग प्लेटफॉर्म विद ओवर 3000 प्लस गेम, जिसमें से तुम कोई भी गेम खेल सकते हो और उससे रिवॉर्ड भी जीत सकते हो। यहाँ तुम लोगों को मिलता है अनलिमिटेड रिवॉर्ड और बहुत सारा बोनस भी, जैसे जर्नी बोनस, रॉयल्टी बोनस, रेफरल बोनस, लूजिंग बोनस एंड मेनी मोर। और हाँ भाई लोग, यहाँ साइन अप करते ही तुम लोगों को फ्री स्पिन भी मिलती है जिसके यूज से तुम लोग अनलिमिटेड रिवॉर्ड जीत सकते हो। और खेलो स्पोर्ट हर यूजर को गारंटीड रिवॉर्ड देता ही है और यहाँ यूजर्स 50 लाख तक का कैश बैक भी जीत सकते हैं विद देयर फर्स्ट डिपॉजिट ऑन बैंक ट्रांसफर। और साथ ही भाई लोग यहाँ मिलती है 24 घंटे की कस्टमर सर्विस, यहाँ पर तुम लोग बहुत सारी गेम्स खेल सकते हो लाइक ब्लैक जैक, स्लॉट्स और भी बहुत सारी। और यहाँ तुमको सभी स्पोर्ट इवेंट के लाइव स्कोर भी देखने को मिलते हैं और इनके साइट पे तुम लोग कोई सा भी गेम खेल सकते हो। और भाई यहाँ पे तुमको स्पोर्ट्स बुक और डायरेक्ट एक्सचेंज फैसिलिटीज भी मिलती है जिससे तुम लोग आईडी भी ले सकते हो। तो आज ही ज्वाइन करो खेलो स्पोर्ट और खेलो अपने पसंदीदा गेम्स और चूज करो अपना फेवरेट टीम और जीतो अनलिमिटेड कैश प्राइजेस। खेलो स्पोर्ट पे रजिस्टर करो और अपना वेलकम बोनस क्लेम करो और पाओ बहुत सारी स्किन्स, लिंक कमेंट में पिन है। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, आखिर कैसे वो ग्लिच लगाई जाती है। तो भाई ये ग्लिच अकेला बंदा नहीं लगा सकता, इसके लिए आपको 5 से 6 बंदे चाहिए होते हैं जो कि एक साथ आईडी पे सेम टाइम पे गेम लॉगिन करके खेलते हैं। अब आप लोग बोलोगे एक साथ सब लोग सेम आईडी पे गेम कैसे खेल सकते हैं? अगर हमारी आईडी खेलते टाइम कोई लॉगिन कर लेते हैं तो हमारा गेम लॉग आउट हो जाता है और दूसरे बंदे का रिकनेक्टिंग होने लगता है, तो भला सेम आईडी पे इतने बंदे एक साथ कैसे खेल सकते हैं? क्या उनका रिकनेक्ट नहीं होता होगा? बात तो सही है भाई, वही तो ग्लिच है जिससे तुम्हारा गेम रिकनेक्ट नहीं होता और एक साथ 5 बंदे आईडी पे खेल सकते हैं। उसके लिए आपको डुओ या स्क्वाड में गेम स्टार्ट देना है, अगर साथ में पीसी प्लेयर हो फिर तो और भी ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि 5000 स्कोर तक पीसी में गेम स्टार्ट होता है और 32 बंदों की लॉबी आती है जिसमें एक या दो ही रियल स्क्वाड रहती है, बाकी सारे बॉट्स होते हैं। लेकिन वो बॉट्स रियल प्लेयर से भी ज्यादा खतरनाक मारते हैं अगर तुम ओपन में घूमते हो, इसलिए थोड़ा कवर में रह के खेलना होता है। इजीली एक ही मैच में आपको 10 से 12 किल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको लैंडिंग नदी में करनी है, बाकी अपने टीममेट को बोलना है कि थोड़े देर तक सर्वाइव करे और आपको अपना नेट ऑफ कर देना है। 999 होने के बाद आपको गेम को मिनिमाइज कर देना है और दूसरे डिवाइस से वही आईडी लॉगिन कर देनी है। जैसे ही टैप टू स्टार्ट आएगा उसी टाइम आपको पहला डिवाइस का नेट ऑन कर लेना है, आपका सेकंड डिवाइस में लॉबी में ही रहोगे और फिर से गेम को स्टार्ट कर पाओगे और सेम चीज आपको रिपीट करनी है। बट ध्यान रखना अगर किसी भी डिवाइस में बुया हो गया तो एकदम से बैक मत आना, वहीं से गेम को बंद कर देना जब तक सारे डिवाइस में मैच खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि अगर आप लोग बैक आओगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एंड जैसे ही गेम खत्म होगा देखना आपको सारे मैचेस का प्लस मिल जाएगा, मतलब 20 से 25 मिनट के अंदर आपको 5 मैच का प्लस मिल जाएगा। और ये वाली ग्लिच रीजन में काफी सारे बंदे यूज करते हैं। अब देखो ये ग्लिच मुझे खुद ग्लिच यूजर ने ही बताई है जो कि रीजन पे बैठा है, हो सकता है मैंने कोई स्टेप मिस कर दिया हो। वैसे मैंने अभी तक तो इस ग्लिच को ट्राई करके नहीं देखा, बट मेरे पास प्रूफ है कि रीजन में टॉप वन वाला बंदा इसी ग्लिच को यूज करता है, क्योंकि जिस दिन न्यू रैंक सीजन आया था तो सब लोग लगे थे रैंक पुश करने में और मैं भी नॉन स्टॉप रैंक पुश कर रहा था, करीब 10 घंटे लगातार खेला। अब ये मत बोलना 6 घंटे की लिमिट होती है, 10 घंटे कैसे खेल लिया, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नॉर्मल वाले फ्री फायर में कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती और सारे रैंक पुशर नॉर्मल वाला फ्री फायर ही खेलते हैं। और गाइस आप लोग एक चीज कैलकुलेट करके देखो, अगर 20 मिनट में एक गेम खत्म होता है तो 10 घंटे में 30 गेम ही होंगे। अगर जल्दी से भी मैच खत्म हो जाए तो मैक्सिमम 40 से 50 गेम 10 घंटे में आप लोग कंप्लीट कर पाओगे।
और मेरे भी उस वक्त 41 गेम्स ही हुए थे और मैं हीरोइक पे 2 या 3 स्टार लगा चुका था। बट जब रीजन लिस्ट चेक किया तो वहाँ एक ग्लिच यूजर पहुंच चुका था। एंड जब मैंने उसकी प्रोफाइल ओपन की तो देखा भाई ने 150 से भी ज्यादा गेम्स खेल लिए हैं। और जाहिर सी बात है 10 घंटे में 150 गेम इम्पॉसिबल है। अगर तुम लोग उतरते ही मर जाते हो तभी ये हो सकता है, लेकिन ऐसे में रैंक पुश नहीं होता बल्कि रैंक माइनस होता है। इसका मतलब वो गेम के एंड तक सर्वाइव किया था तभी जाके रीजन पे पहुंचा है और 10 घंटे में 150 से ज्यादा गेम खेल लिए। इसका मतलब भाई ने ग्लिच तो 100% लगाई है। ये तुम लोग किसी भी फेयर पुशर से जाके पूछ सकते हो, वो भी तुमको यही बताएगा कि रीजन का टॉप 1 प्लेयर ग्लिच यूजर है। अगर विश्वास नहीं होता तो नेक्स्ट सीजन आने दो और फिर रीजन लिस्ट चेक करके देखना बंदे ने कितने कम टाइम में कितने ज्यादा गेम खेल लिए होंगे, जो कि विदाउट ग्लिच इम्पॉसिबल है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब ये लोग सुधरेंगे तो नहीं, लेकिन किसी ना किसी दिन गरीना इनके पिछवाड़े पे भी लात जरूर मारेगी। लानत है तुम लोग पे, लानत। लेकिन तुम लोग अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। और क्या आप लोग चाहते हो मैं सीएस रैंक की बिग लिस्ट रिवील करूं? क्योंकि बीआर से भी ज्यादा चमत्कारी जादूगर तो सीएस में बैठे हैं, उनकी भी पोल खोली जाएगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना और कमेंट में अपनी रैंक बता के जाना। तो मिलते हैं किसी और दिन।